हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरूके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद वर्ल्ड क्रिकेट की दो सबसे राइवल्स टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में व्हाइट बॉल सीरीज स्टार्ट होने वाली है। 11 सितंबर से शुरू होने वाली इस सीरीज में पहले T20 मैच होंगे, उसके बाद 5 ODI मैच खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया अभी हाल ही में स्कॉटलैंड से 3 मैच की T20 सीरीज जो कि जीत कर आ रही है। इंग्लैंड की टीम श्रीलंका से टेस्ट मैच खेल कर आ रही है। हालांकि इंग्लैंड के दोनों फॉर्मेट के अलग प्लेयर हैं। तो चलिए बात करते हैं T20 सीरीज के फर्स्ट मैच में। यह मैच 11 सितंबर को साउथहैम्पटन के रॉज बॉल ग्राउंड में खेला जाएगा। तो दोस्तों यह भारतीय समय अनुसार यह मैच रात के 11 बजे से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सीजन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते चलते इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम लगभग क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 83% रहेगा और टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं कि पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे साउथहैम्पटन के रोज बॉल की पिच स्विंग बॉलर के लिए फेमस है। यहाँ स्विंग बॉलर को हेल्प मिलता है और उन्हें विकेट भी ज़्यादा मिलता है। स्पिनरों को यहाँ पे हेल्प नहीं है। रिकॉर्ड भी देखें तो पेसरों को यहाँ पे ज़्यादा विकेट मिलते हैं। बैटर्स को स्टार्टिंग ओवर में संभल कर खेलना होगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जो कि बैटिंग फॉर्स का यहाँ पे 45% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फॉर्स का यहाँ पे 55% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 173 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 140 है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं दोनों टीमों का, हेड टू हेड भी देख लेते हैं। जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 4 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर इंग्लैंड 6 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम इंग्लैंड का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। इंग्लैंड के रेगुलर कैप्टन जो कि जॉस बटलर के एब्सेंस में फिलिप सॉन्ट पहली बार इस टीम की कप्तानी करेंगे। इंग्लैंड की टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है, कई सीनियर प्लेयर जो कि रिटायर हो गए या टीम से बाहर हो गए, जिसके चलते टीम में बहुत यंग प्लेयर को चांस दिया गया, जहाँ पे फ्यूचर के लिए टीम को बिल्ड करना होगा। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि विल जैक फ्लिप सॉल्ट खेल सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में आपको लैम लिविंगस्टोन, जैमी ओवरटन खेलेंगे, जॉर्डन कॉक्स एंड डैम मोस्टली जो सीरीज में डिब्यूट कर सकते हैं, सैम क्रम जो टीम के एक्सपीरियंस प्लेयर है। वहीं बॉलिंग में आपको ऋषि टॉपली, जोफ्रा आर्चर जो कि स्पेल की शुरुआत करेंगे, जहाँ पे अनकैप प्लेयर एंड्रे टर्नर और जॉस हल जो टीम को बिल्कुल नए नाम है, जहाँ पे आदिल रशीद टीम के एकमात्र स्पेशलिस्ट स्पिनर है। अब बात करते हैं इंग्लैंड का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि विल जैक है, फिलिप सॉल्ट है, जॉर्डन कॉक्स है, लाइम लिविंगस्टोन है, जैमी ओवरटन, डैन मोस्टली, सैम क्रम, जोफ्रा आर्चर, ऋषि टॉपली, आदिल रशीद, जॉस हल है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि फिलिप सॉल्ट है, विल जैक है, जोफ्रा आर्चर है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी ऑस्ट्रेलिया का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी स्कॉटलैंड से हराकर इंग्लैंड में पहुंची, कुछ सीनियर प्लेयर के बिना ही टीम खेलेगी। टीम के कैप्टन के बात करेंगे जो कि मिचेल मार्श है। ओपनिंग में बात करेंगे ट्रेविस हेड एंड जैक फ्रेसर की जोड़ी तबाही मचाएगी। जैक फ्रेसर जो कि लास्ट सीरीज में फ्लॉप हो गए थे, नंबर 3 पर जो कि विकेट कीपर जॉस इंग्लिश है। मिडिल ऑर्डर में आपको मिचेल मार्श, मार्कस स्टोन, टीम डेविड एंड कैमरॉन गेन जो कि सभी एक्सपीरियंस प्लेयर है। बॉलिंग में टीम के पास क्वालिटी पेसर है, जॉस एजल इस सीरीज से कम बैक करेंगे। वहीं पर रिली मैदी था, शेक्सपियर बार्टे जो कि स्पेल की शुरुआत करेंगे, एडम जंपर जो कि स्पेशलिस्ट स्पिनर है, कैमरॉन ग्रीन और मार्कस स्टोनिस भी विकेट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि जैक फ्रेस है, मैकगर्ग है, ट्रेविस हेड है, जॉस इंग्लिश है, मिचेल मार्श है, टिम डेविड है, कैमरॉन ग्रीन है, एरोन हार्डी है, मार्कस स्टोनिस है, जॉस एजलवुड है, एडम जंपर है, शेक्सपियर बार्टलेट है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि टिम डेविड है, एडम जंपर, ट्रेविस हेड है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। दोनों ही टीम जब कभी एक दूसरे से भिड़ती है तो मुकाबला बराबरी का होता है। इस सीज में फैंस की यही डिमांड है कि मैच रोमांचक हो। जिस ऑस्ट्रेलिया हाल में परफॉर्मेंस किया उसको देखते हुए टीम फेवरेट है, लेकिन होम कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। दोनों टीम के स्क्वाड स्ट्रॉन्ग को देखते हुए यहाँ पे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग मैच विनर ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट अपडेट के साथ।